Good morning to all of you. Today we start our lecture of the machine learning. As you know, students, in the last class we have introduced to you the what is the machine learning, where we have discussed about the introduction to the machine learning. Then after that we have completed the scope of the machine learning. Machine learning ke kya scopes hain, isko bare mein hum logon ne discuss kiya tha. Then at the end of the class we have discussed the limitations of the machine learning. To machine learning mein kya kamiyan hain, kahan problems generate hoti hain kis type ki applications ke liye, uske bare mein bhi apan logon ne last class mein discuss kiya tha. So today we start our new topic is the regression. Regression is not new for you, because regression you have learned or study in the 12th class statistics ke andar aap logon ne regression ko padha hai, hai na. To regression basically kya hai, as you know very well ke in the mathematics there are two types of the variables. Whenever we apply any formula for find the solution, that time there are two types of the variable. First is the independent variable and second is the dependent variable. Dependent variable is depend on the independent variable, you know very well. Okay, so machine learning mein bhi is type ki cheeze use hoti hain. Regression machine learning mein use hota hai, aur machine learning mein use isliye hota hai wo kyunki machine learning mein hum predictions nikalte hain, predict karte hain, hum machine ko trained karte hain training data set ke through. Machine ko hum trained karte hain और ट्रेंड करने के बाद हमारे कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं, हमारे प्रेडिक्शंस होते हैं कि यार हमने मशीन को ट्रेन किया है तो हमारे रिजल्ट्स कुछ इस टाइप के होंगे, है ना. कुछ रिजल्ट्स अगर ये इनपुट है तो आउटपुट ये होना चाहिए, आउटपुट ये होना चाहिए. तो वहां पर कहीं ना कहीं रिग्रेशन जो है, दिस रिग्रेशन एनालिसिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग. It falls under supervised learning, wherein the algorithm is trained with both input features and output labels. This is the bookish language. मैं explain करूँगा आपको simple language में कि आपके machine learning में जो data set होता है वो data set पर हम analysis करते हैं, analysis करके machine को trained करते हैं training data set के through. Machine को आपने trained किया, फिर आपने predict किया कि यार अगर ये मैंने ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा, कब आउटपुट ऊपर जाएगा कब आउटपुट नीचे जाएगा, ये इस तरह का एक क्या बनता है, एक ट्रेंड बन जाता है डेटा सेट का कि ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आएगा. तो वहां पर अपन रिग्रेशन का यूज करते हैं, है ना. इसमें बेसिकली क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेरिएबल. फर्स्ट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, ये हम रिग्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं, है ना. तो उसी के बेस पर ही हम लोग प्रिडिक्शन लगा सकते हैं. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि रिग्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप है, उसको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है. तो उसे अपन बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं, है ना. जिसकी हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या हम इनपुट वैल्यू में चेंज करते हैं तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, है ना, आउटपुट क्या जनरेट होगा. तो इस तरीके से जैसे मैं आपसे बोलूं कि टेम्परेचर, जैसे कि एक इनपुट वैल्यू में मैं क्या चेंज करूं तो दूसरी आउटपुट वैल्यू क्या आएगी, ये हम प्रिडिक्ट करते हैं कंटिन्यूसली. जैसे टेम्परेचर है, एज है, सैलरी है, प्राइजेस है. जैसे बोलते हैं ना कि यार अभी अपन फ्यूल की बात करें, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फ्यूल की बात करते हैं कि कॉस्ट जैसे जैसे फ्यूल की बढ़ती है तो उसका यूज, फ्यूल का यूज कम होने लगता है, है ना. एक जैसे कॉस्ट सपोज आपका पेट्रोल एक समय 80 रुपीस पर लीटर आता था, है ना, तो हम फ्यूल यूज करते थे, हम आप लोग गाड़ी में व्हीकल में इजिली पेट्रोल यूज लेते थे और उसको मतलब अपने काम में लेते थे. आज बहुत आसानी से हम लोग उसमें उसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा था. जैसे जैसे पेट्रोल 90 हुआ, 100 हुआ, 110 हुआ, तो हमें लगने लगा कि यार कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमें एफिशिएंटली फ्यूल का यूज करना चाहिए, है ना. तो वो ग्राफ धीरे धीरे डाउन होने लगा. तो ये भी कहीं ना कहीं
फ्यूल की कॉस्ट और फ्यूल का कंजम्पशन, इन दोनों के बीच में, ये दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को आपको क्या करना है, एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस करने के लिए अपन लोग ये रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पर मशीन लर्निंग में यूज करेंगे, जिसके हेल्प से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि यार अगर फ्यूल की कॉस्ट ये होगी तो उसका कंजम्पशन कितना होगा। दिस विल बी द प्रेडिक्शन, ये हमारे लिए प्रेडिक्शन होंगे। ऐसे ही मशीन को हम ट्रेंड करते हैं, मशीन ट्रेंड होगी तो उसे हमने ट्रेंड कर दिया क्या, अगर ये होगा तो ये रिजल्ट्स आएंगे, ये होगा तो ये रिजल्ट्स आएंगे, ये होगा तो ये रिजल्ट्स, आपको डिसीजन लेने है ना, मशीन को बताया तो मशीन उस हिसाब से डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिग्रेशन हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो इसमें सिंपलर वर्ड्स में अगर आप, इट मींस फिटिंग अ फंक्शन फ्रॉम अ सिलेक्टेड फैमिली ऑफ फंक्शंस टू द सैंपल डेटा अंडर द सम एरर फंक्शंस, तो ये सब चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उस चीज को बताया है। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, एज एंड हाइट, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक एज वेरिएबल है एंड एक क्या है, हाइट है, एक एज है और एक हाइट है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हाइट आपकी बढ़ती जाती है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हुए। एक वो बात अलग है कि एक टाइम के बाद आप 22, 23, 24, 25 तक पहुंचे तो देन एज स्टेबल, एज एक फिक्स हो जाती है, फिर एज उसके बाद नहीं बढ़ती। लेकिन आप बचपन से देखोगे आप तो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे आप एज को बढ़ाते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप एज को बढ़ाते जाएंगे हाइट अपने आप बढ़ती जाएगी। वैसे एक एग्जाम्पल आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सपोज देयर इज अ मार्केटिंग कंपनी है कोई एक, और उस मार्केटिंग कंपनी की एक स्ट्रेटजी है कि हम कितना पैसा एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करें तो हमारी सेल किस हिसाब से बढ़ेगी। तो 90, इसमें एक एग्जांपल में देखिए आप इस टेबल में, $90 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं देन आवर सेल विल बी $1,000, 120 अगर करते हैं तो इतना हो जाएगा, 150 करते हैं तो इतना आएगा, 100 करते हैं तो क्या होगा, फिर डाउन हो जाएगी, फिर 130 करते हैं तो फिर ऊपर नीचे जा रही है, 200 करेंगे तो क्या जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये एक आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर एक मतलब डेटा का एक पैटर्न बन गया है, ये एक पैटर्न बन गया है, इतना करेंगे तो ये होगा, इतना करेंगे तो ये होगा, मतलब कहीं ना कहीं फिर आगे चल के हम लोग प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं कि अगर $2,000 अगर हम एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक अपन लोगों ने यहाँ पर रिग्रेशन इनके इन दोनों वेरिएबल्स एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच का रिग्रेशन या रिलेशनशिप को अपन लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोगों को स्क्रीन वगैरह शेयर तो हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर फर्स्ट स्लाइड के लिए शो हो रही है, फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है, एक जस्ट ये सब ठीक है, आप ठीक है? Yes, sir. ये है ना? Yes, sir. ठीक है। तो so we are discussing here the regression. Regression का मतलब आप लोग समझ गए ना? Regression क्या है? Regression मतलब there are किनी भी suppose we have there are two types of variable in the regression. First is the इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट जो आप इनपुट करेंगे तो उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल का आउटपुट डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई कि रिग्रेशन एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग, हम प्रिडिक्शंस लगाने के लिए। मशीन लर्निंग में एक प्रिडिक्शन वर्ड यूज होता है कि आप मशीन को ट्रेंड करेंगे और मशीन को ये बताएंगे कि अगर आपके पास ये इनपुट आता है तो आप उस कंडीशन में ये आउटपुट देंगे या ये डिसीजन लेंगे, ये इनपुट आएगा तो ये डिसीजन लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि रिग्रेशन एनालिसिस किस तरीके से होती है, और फिर इसके बाद में आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा था, यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि सपोज एक कोई मार्केटिंग कंपनी है और मार्केटिंग कंपनी की एक पॉलिसी है कि उसको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है उसकी कि एडवर्टीजमेंट में अगर मैं इतना इन्वेस्ट करता हूँ
तो ये मुझे सेल मेरी इंक्रीज हो रही है, देन अगर मैं $120 करता हूँ तो ये मेरी सेल इंक्रीज हो रही है, ये कर रहा हूँ तो ये हो रही है, ये मैंने अगर एडवर्टीजमेंट में अगर कम इन्वेस्ट किया तो मेरा सेल डाउन हो जाएगा, फिर ये किया तो ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक पैटर्न बन गया है ना, एक इसके बेस पर हम प्रिडिक्शंस लगा सकते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट और सेल के बीच में एक रिलेशनशिप, देयर आर टू वेरिएबल्स, एडवर्टीजमेंट वेरिएबल है एक और एक सेल वेरिएबल, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को रिग्रेशन के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पे एनालिसिस आप करेंगे, एनालिसिस करते करते आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने मशीन को ट्रेन किया कि $90 अगर एडवर्टीजमेंट कोई करता है तो इतनी सेल बढ़ेगी, ये इतनी करेगी, ये इतनी करेगी, इतनी करेगी, फिर किसी ने अगर $200 इनपुट कर दिया उसके अंदर, $200 का कर दिया, तो मशीन प्रिडिक्शंस लगाएगी अपने ऑन द बेस ऑफ दिस डेटा पैटर्न, ये जो पैटर्न बना है उस पैटर्न के बेस पर वो प्रिडिक्ट करके बताएगी कि ये इसका आउटपुट होना चाहिए। जैसे अपन ने अभी तक कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था मशीन लर्निंग की, सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार में आपने ड्राइव व्हीकल को ट्रेन करके रखा हुआ है कि व्हीकल को किस रोड पर कितने ट्रैफिक में किस स्पीड से जाना चाहिए, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर आता है तो उसे स्लो करना चाहिए, अगर उसके सामने कोई पर्सन सडनली आ जाता है तो उसको किस तरीके से ब्रेक लगाना चाहिए, है ना, कितनी स्पीड मेंटेन रखनी चाहिए, कहाँ पर रेस बढ़ानी चाहिए, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजों में आपने ट्रेन कर दिया है मशीन को, है ना। मशीन के मशीन एक पैटर्न जनरेट हुआ डेटा का, और डेटा का पैटर्न होने के पैटर्न के बेस पर मशीन आपकी ट्रेंड हो गई। फिर सडनली अगर उसी से रिलेटेड कुछ हटके कुछ डेटा आपके पास आता है, कुछ कंडीशंस जनरेट होती हैं, तो इंटेलिजेंट मशीन वही है जो कि उस सिचुएशन को हैंडल कर ले, उस कंडीशन को वो हैंडल कर ले। तो जैसे मैंने लास्ट ईयर का एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज एक व्हीकल जा रहा है, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, जा रही है और जाते जाते उसके सामने दो चीजें आ गई, एक आ गई, एक तो डस्टबिन रखा हुआ है सपोज रोड पे, है ना, एक साइड में डस्टबिन है और दूसरी साइड एक बच्चा चलता हुआ एकदम स्पीड से आपकी व्हीकल के सामने आ गया। तो अब आपकी इंटेलिजेंट व्हीकल होगी तो वो क्या डिसीजन लेगी, क्या डिसीजन, मतलब व्हीकल को क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप अगर होते तो आप क्या डिसीजन लेते। हम सीधी सी बात है, हम अगर सामने हमारे सामने अगर एक साइड कोई बड़ा सा कोई डस्टबिन रखा हुआ है, दूसरी साइड एक कोई भी बच्चा चलता हुआ सामने आ गया कार के, तो हम बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे और भले ही हमारी कार किससे डस्टबिन से टकरा जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बच्चे को तो बचाया, अपने साथ साथ हम बच्चे को भी बचाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वो डस्टबिन से टूट गया फूट गया वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने व्हीकल को जैसा समझाया, व्हीकल को जिस लेवल पर ट्रेंड करोगे, व्हीकल को ट्रेंड किया कि यार मेरे सामने जो आएगा मेरी रोड पे जो भी आएगा व्हीकल किसी पर्टिकुलर पर्सन के आने के लिए आपने उसमें कोई कंडीशन ही नहीं डाली है, उसको मशीन को ट्रेंड ही नहीं किया है, है ना, तो मशीन ठोक देगी उस बच्चे के अंदर, है ना, बच्चे में ठोक देगी गाड़ी को, है ना। तो ऐसी कंडीशंस मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमको मशीन को किस तरीके से ट्रेंड करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि हम जो मशीन को ट्रेंड करते हैं इट इज बेस्ड ऑन द डेटा, आपका डेटा कितना इफिशियंट है, डेटा कितना सही है, कितना करेक्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि आप मशीन को किस तरीके से लर्न करा रहे हैं। क्योंकि डेटा आपका अगर सही है, डेटा सुपरवाइज्ड है, है ना, प्रॉपर फॉर्मेट में है, है ना, तो वो डेटा अगर करेक्ट डेटा है प्रॉपर फॉर्मेट में है तो वो मशीन को प्रॉपर ट्रेंड करेगा। अगर डेटा ही हमारा गलत, डेटा ही रॉन्ग है ना, डेटा ही प्रॉपर नहीं है, तो हम उस मशीन को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि मशीन लर्निंग इज बेस्ड टोटली ऑन द डेटा, डेटा पर ही डिपेंडेंट है वो, उसके पास कोई ऐसी चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोड टाइप कर दिया, मैंने तो जस्ट एल्गोरिथम लगा दिए और वो मैंने डेटा इनपुट कर रहा हूँ और डेटा के बेस, तो उस डेटा के बेस पर पैटर्न जनरेट होगा, है ना, रिग्रेशन, मतलब वेरिएबल्स के बीच का रिग्रेशन, वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप के बेस पर मतलब एक पैटर्न जनरेट होगा, और पैटर्न जनरेट होने के बाद मशीन आपकी ट्रेंड होगी, और इसके बाद सडनली अगर कोई अनदर टाइप की प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड ही कुछ ऐसा जो आपने इनपुट दिया ही नहीं है मशीन को, वैसा अगर इनपुट आ गया उसके पास, ऐसी कंडीशंस बन गई, तो मशीन क्या डिसीजन लेगी,
अगर मशीन सही डिसीजन अगर ले लेती है, इसका मतलब आपने जो मॉडल जनरेट किया है उस मशीन को ट्रेन करने के लिए जो मॉडल बनाया था वो मॉडल आपका सक्सेसफुल है ना, सही है मॉडल। और अगर वो मॉडल फेल हो जाता है, वो उस हिसाब से मशीन ट्रेन नहीं, मशीन डिसीजन नहीं ले पा रही, तो यू नीड टू इम्प्रूव योर मॉडल, यू नीड टू इम्प्रूव योर स्ट्रेटेजी टू द ट्रेन टू द मशीन, है ना। तो ये सारी चीजों पे अपन को फोकस करना रहता है मशीन लर्निंग में, है ना। तो नाउ इन द रिग्रेशन वी डिस्कस हियर द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है, एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, एक क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आउटलेयर्स, मल्टी कोलिनियरिटी एंड अंडरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग। अब इसमें कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग तो आपको पता है कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द रिग्रेशन एनालिसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सपोज एक इक्वेशन है यहाँ पर, एक इक्वेशन मैं लिखता हूँ आपके लिए, सपोज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वो टूल नहीं दिख रहा है मेरे को, मैं कौन कौन अवेलेबल है क्लास में, कोई भी एक स्टूडेंट जैसे आशीष, आशीष आप मेरी बात को सुन रहे हैं बेटा, आशीष या कोई भी एक स्टूडेंट अनम्यूट करो अपने आप को। गुलाब सर, यस सर, गुलाब सर एक इक्वेशन मैंने आपको दी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या दिया है एक इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? सर y जो होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x प्लस बी होता है सर जो कि लीनियर रिग्रेशन होता है वो डिपेंडेंट होता है। गुलाब सर सोचो थोड़ा और, क्या बता रही हो तुम? मैंने लिखा एक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें a b किस टाइप के वेरिएबल्स हैं और y किस टाइप का वेरिएबल है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सर y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और a प्लस बी जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वेरी गुड, अब जाके आपने सही बताया, है ना। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे बोला कि एज, जैसे मैंने लिखा हाइट इज इक्वल टू एज प्लस एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, है ना, तो क्या लिखा हाइट इज इक्वल टू एज प्लस एक्स, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होंगे, कोई भी एक अनदर स्टूडेंट कोई भी बताएगा? मुस्कान बता रही है, मुस्कान, मुस्कान बोलो सर, इसमें जो हाइट होगी वो ए और एक्स की वैल्यू पर डिपेंड होगी। हाइट इज डिपेंड ऑन द एज प्लस एक्स, एक्स इज द कांस्टेंट, सो टोटली इट्स डिपेंड ऑन द एज, है ना। हाइट किस पर डिपेंड होगी आपकी? एज पर। तो अब मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास में सपोज 60 स्टूडेंट्स हैं, और ठीक है 60 स्टूडेंट्स की आपने एज हाइट कितनी, एज है आपकी कितनी, हाइट है कितनी, एज है कितनी, हाइट है, आपने एक टेबल जनरेट करके रखी हुई है। उस टेबल से एक पैटर्न जनरेट हो रहा होगा कि यार अगर एज 17 ईयर है तो क्या हाइट है, एज 17 एंड हाफ है तो हाइट क्या है, एज 19 है तो हाइट क्या होगी, एज 20 है तो हाइट क्या होगी, थोड़ा 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 वेरिएशंस बन जाता है वहां पर, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की बाय डिफॉल्ट होता है वो सब चीजें, तो एक क्या हो रहा है, एक यहाँ पर पैटर्न जनरेट हो गया, मतलब हमने एज और हाइट के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट कर दी, है ना। दिस इज द रिग्रेशन, इसे अपन बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, है ना। तो आपने किसी को बता दिया कि यार एज इतनी होती है तो हाइट इतनी होती है, एज इतनी होती है तो हाइट इतनी होती है, सडनली अगर किसी ने बोल दिया
कि यार एक समय के बाद मतलब मैंने बोल दिया कि यार 15 इयर्स में एज क्या होगी, तो आप 15 ईयर की एज में हाइट क्या होगी, तो मशीन आपका आसपास एवरेज रिजल्ट्स आपको देगा, है ना। तो हमारा मॉडल जो होगा वो मॉडल हमारा सक्सेसफुल मॉडल होगा, अदरवाइज हमारा मॉडल अगर सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा, हमारी मशीन अगर सही रिजल्ट्स नहीं दे रही, तो हमारा मॉडल फेल हो गया, फिर उसको आपको एनालिसिस डबल से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, आप लोगों को क्लियर हो गया है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है। देन नेक्स्ट इज द आउटलेयर्स। आउटलेयर इज एन ऑब्जर्वेशन विच कंटेन्स आइदर वेरी लो वैल्यू और वेरी हाई वैल्यू इज कंपेरिजन टू द अदर ऑब्जर्व वैल्यूज, है ना, एंड आउटलेयर में हैम्पर द रिजल्ट, सो इट शुड बी अवॉइडेड, है ना। तो आउटलेयर क्या हो सकती है, आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। जैसे मैंने एज की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो एज की बात अगर अपन करते हैं, एज पर आपको एनालिसिस, एज और हाइट के बीच में एनालिसिस करना है, तो उसकी आउटलेयर क्या होगी, बच्चे की मिनिमम हाइट क्या होगी और किसी भी इंसान की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, है ना। तो मिनिमम हाइट सपोज आपने मान लिया कि यार 2 फीट है ना, 2 फीट से लेके आपने उसको 6 फीट तक या 7 फीट तक मैक्सिमम आप लेके जा रहे हो, है ना, आउटलेयर बन गया। इसी तरह से एक होता है मल्टी कोलिनियरिटी। इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हाईली कोरिलेटेड विथ ईच अदर देन अदर वेरिएबल्स, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड द मल्टी कोलिनियरिटी, है ना, इसको मल्टी कोलिनियरिटी अपन बोलेंगे। फिर इसके बाद एक होता है अंडरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग। देखिए अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग के ऊपर अलग से 3rd यूनिट में आप लोगों को अलग से टॉपिक पढ़ना है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि इसमें क्या होता है। मशीन लर्निंग में डिफरेंट नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स यूज होती हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है और ये क्या होता है टेस्टिंग डेटा सेट, 2 तरह के डेटा सेट होते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि इफ अवर एल्गोरिथम वर्क्स वेल विथ ट्रेनिंग डेटा सेट, है ना, बट नॉट वेल विथ टेस्ट डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ तो अच्छा काम कर रही है वो, बट टेस्टिंग डेटा सेट के साथ प्रॉपर नहीं कर रही है, तो सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड दी ओवरफिटिंग, है ना, उसे अपन क्या बोलेंगे, ओवरफिटिंग। अदरवाइज इफ अवर एल्गोरिथम डज नॉट परफॉर्म वेल इवन विथ ट्रेनिंग डेटा सेट, देन सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड दी अंडरफिटिंग। अभी ज्यादा जोर मत डालो, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये टर्मोलॉजी के अंदर आ रही है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। बाकी ये दोनों ही टॉपिक, दोनों ही मेथड हैं जो कि मैं अलग से आप लोगों को थर्ड यूनिट में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको अपन पढ़ लेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देके उसे कर लेंगे, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, है ना, तो डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरीके से टर्मोलॉजी रिलेटेड इन द रिग्रेशन एनालिसिस में ये सारी चीजें अपन लोगों ने देखी। अब अपन आगे बढ़ते हैं रिग्रेशन में। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन के टाइप क्या होते हैं, क्या होंगे रिग्रेशन के टाइप। फर्स्ट इज द लीनियर रिग्रेशन, सेकंड इज द पॉलिनोमियल रिग्रेशन, थर्ड वन इज सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, फिर इसके बाद डिसीजन ट्री रिग्रेशन होता है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन होता है, रिज रिग्रेशन होता है। सर वो वाली स्लाइड शो नहीं हो रही है। नहीं हो रही, चलो एक मिनट रुको, कुछ नेट का इशू। अभी आ गए, अभी दिख रहा है बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है ना, ये वाली भी दिख रही ना, टर्मोलॉजी रिलेटेड टू द रिग्रेशन एनालिसिस। यस सर। अपन ने अभी डिस्कस किया है, देन वी कम्स टू द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ रिग्रेशन का कांसेप्ट तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया है ना। मशीन लर्निंग के अंदर रिग्रेशन अपन क्यों करते हैं, प्रेडिक्शंस के हिसाब से। अब क्या होता है कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि रिग्रेशन जो होता है वो 2 टाइप्स के वेरिएबल्स के बीच में होता है। फर्स्ट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, है ना, तो वो रिलेशनशिप किस टाइप का हो सकता है, रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप का हो सकता है, उसी हिसाब से रिग्रेशन की टाइप डिसाइडेड है, है ना। तो फर्स्ट इज द लीनियर रिग्रेशन, सेकंड इज द पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सेकेंड इज सपोर्ट वैक्टर रिग्रेशन,
and decision tree regression, then random forest regression, then ridge regression, और फिर इसके बाद लासो regression, और लास्ट में logistic regression. तो ये different types होते हैं regression, है ना? तो ये टाइप जो है ये टोटल टाइप्स हैं, अपन को थोड़ा 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 सभी को पढ़ना है ना? तो हालांकि एक या डेढ़ क्लास दो क्लास लग सकती है इसको, तो थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा. और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी हमें प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे आप लोगों के इसमें कुछ, तो वो प्रैक्टिकल भी अपने करना है, लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन इस टाइप से. तो उसके लिए अपन को पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए. तो मैं आप लोगों से बार बार यही बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा साइड में पाइथन लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि हम इसके प्रैक्टिकल्स जब हमारी लैब होगी तो हम उसके प्रैक्टिकल्स भी करें. तो मैं प्रैक्टिकल्स अभी जब तक आप लोग कॉलेज नहीं आएंगे तब तक तो मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को यहीं से अपने सिस्टम से मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन. व्हेनेवर आवर ऑफलाइन क्लास विल स्टार्ट देन वी विल प्रैक्टिकल इन आवर लैब. ओके, तो थोड़ा सा अगर जब तक अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखें. हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा? यस सर, यस सर, यस सर. कॉलेज में क्या लाइट चली गई है, तो ये मेरा सिस्टम भी ज्यादा देर, कहीं जल्दी लाइट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर चली गई तो 5-10 मिनट में सिस्टम बंद ना हो जाए. अभी तो बैकअप है मेरे पास, है ना? तो पहले एक बार मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेके रख लूं ताकि अपन को अटेंडेंस में दिक्कत ना आए. तो आ गई, चलो लाइट आई, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिग्रेशन अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ द रिग्रेशन इज द लीनियर रिग्रेशन. दिस इज वेरी सिंपल रिग्रेशन. दिस इज यूज इन द मशीन लर्निंग, है ना? तो मशीन लर्निंग में हम लोग इस रिग्रेशन का यूज करते हैं. और लीनियरिटी इसमें क्या होता है कि ये मशीन लर्निंग में यूज होता है, एंड दिस इज वेरी सिंपल. इसके एल्गोरिथम भी बहुत सिंपल है. दिस इज वेरी सिंपल रिग्रेशन एल्गोरिथम. इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. एक वी हैव द टू वेरिएबल्स, फर्स्ट इज द एक्सपीरियंस एंड सेकेंड इज द सैलरी. जैसे जैसे देखिए आप लोग, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे क्या होगा, सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए. आप भी किसी कंपनी में डेवलपर, एज अ डेवलपर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एट द इनिशियल स्टेज योर सैलरी विल बी लेस, है ना? जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे सैलरी उसी हिसाब से आपकी बढ़ती जाएगी. जनरली ऐसा होता है. तो आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि एल्गोरिथम और मेथड इज डिपेंड ऑन द डेटा. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा जो होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या है, डेटा का नेचर क्या है, डेटा का टाइप क्या है. उसके बेस पर, उसके नेचर को समझ के यू the decisions ki which one algorithm will apply on that data for find the result, hai na? To is tarah se us par depend karti hain sari cheeze. To waise hi kya hota hai ki regression ke andar bhi kya hota hai ki regression mein bhi aapke paas two types ke variables hote hain. Un variables ke beech mein relationship kya hai, hai na? Usko aap analysis kar rahe hain, then aap us pattern ke base par aap samajh payenge ki kis type ka regression hai. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है इस डेटा सेट के अंदर, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और बढ़ती भी है, है ना? और एम्प्लॉयर को बढ़ाना ही पड़ता है उसकी सैलरी, क्योंकि उसकी यूटिलिटी उसके हिसाब से बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, ना? तो इस तरीके से यहाँ पर इस टाइप का जो आप देख रहे हैं कि दिस इज इन दिस ग्राफ इज मेंटेनिंग द लीनियरिटी. एक लीनियरिटी बनी हुई है इसके अंदर कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इस एक्सपीरियंस की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे सैलरी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. इन दोनों वेरिएबल्स में एक लीनियरिटी मेंटेन है. सो वी कॉल दिस टाइप्स ऑफ द रिग्रेशन, दिस टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप इज कॉल्ड द लीनियर रिग्रेशन, अपन इसको बोलते हैं. इसमें एक एक्सप्रेशन अपन लोग यूज करते हैं, y इज इक्वल टू a. जैसे y क्या है, ये है सैलरी.
सैलरी आपको निकालनी है, तो सैलरी निकालने के लिए इन्होंने एक वेरिएबल, एक नॉर्मल सा एक सिंपल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना। वाई क्या है, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल भी अपन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टारगेट वेरिएबल। एंड एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक्स है आपका, ये एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, इस पर किसी की कंट्रोलिंग नहीं है, काम करोगे तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। प्रिडिक्टर वेरिएबल भी अपन इसको बोलते हैं। ए एंड बी आर द लीनियर कोफिशिएंट, ये लीनियर कोफिशिएंट है, ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनकी वैल्यूज को पुटअप कर सकते हैं, कि अपन बोलते हैं ना यार कि किसी को जीरो ईयर का एक्सपीरियंस है तो यार कुछ तो सैलरी दोगे ना उसको, कुछ तो कॉन्स्टेंट वैल्यू रखोगे, ऐसा थोड़ी है कि आपने बोला कि यार एक साल में मैं आपको 5000 रुपए का 5000 का एक्सपीरियंस 5000 का इंक्रीमेंट दूंगा, तो 5000 रुपए आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन जीरो में तो क्या, जीरो सैलरी में थोड़ी ना ज्वाइन कराओगे उसको, तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट वैल्यू तो आप रखोगे, तो उस टाइप से ये ए एंड बी आर द लीनियर कॉफिशियंट अपन बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही है, कि आज अपन ने पहली मेथड को डिस्कस किया, या उससे पहले हम लोगों ने रिग्रेशन क्या होता है उसको समझा, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होती है इसको समझा हमने, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लीनियर रिग्रेशन, सॉरी रिग्रेशन को समझने की कोशिश की है यहाँ पर, फिर उसके टर्मोलॉजी क्या क्या होती है उसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया है, कौन कौन सी टर्मोलॉजी रिग्रेशन के अंदर यूज होती है, देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लीनियरिटी मेंटेन करने के लिए अपन कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को ये यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन पे अपन लोग क्लास को एंड करते हैं, देन नेक्स्ट जो भी रिग्रेशन होगा उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।